जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक छोटा हवन की विधि बता रहा हूँ। जैसे कि मेरा आज साधना का समापन है, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा मैंने क्या क्या चीज़ का इंतजाम किया है, जो जो मेरे पर बन पाया। क्योंकि मेरी वाइफ गई हुई है, आपको पता है, मम्मी पे मैंने जोर डाला नहीं कि वो अठावरी बनाए, तो मैं पंचमेवा ले आया, पंच मिठाई लेके आया, मिष्ठान। ठीक है, तो मेरा दरबार देखिए पहले कैसे सजा हुआ, फिर मैं पूरी चीज़ आपको दिखाऊंगा। देखिए, प्रभु श्री राम, रामायण, ये बाबा, ये बाबा के अंगूठी जो वो जलती हुई देख रही थी इसे। दीपक जला लेंगे और जो भी आपने चीज़ भोग लगाने के लिए रखी है वो ले लेंगे। देखिए, मैंने पान लिया है, बर्फ़ी है, रसगुल्ला है, ये दूसरी बर्फ़ी, ये कलाकंद लड्डू, ये मिश्री, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हो गई ये भोग लगाने के लिए। ठीक है, और ये लौंग है, और ये मैंने 11 रखी हुई है, पूरी तैयार करके रखी हुई है। ठीक है, ये मैंने पूरी तैयार करके रखी हुई है, अब मैं पूरा तरीका आपको बताता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि सही तरीके से रख दूँ कैमरे को, सही तरीके से आप देख सकें। ये हमारी 11 है, थोड़ी हवन टाइप की विधि आपको समझ में आ जाएगी इससे। पूरा दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, दरबार भी दिखे और सब कुछ दिखे, इसलिए। अब ठीक है, तो पहले लौंग चढ़ाएंगे, भोलेनाथ जी महाराज की कम से कम 11 बार मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम 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 ओम नमः शिवाय, ओम। जय हो भोलेनाथ परिवार जी, लौंग का जोड़ा स्वीकार कीजिए। ओम राम रामायण नमो, 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 ओम राम रामायण नमो। जय हो प्रभु श्री राम जी की, स्वीकार कीजिए। ये लौंग का जोड़ा चला रहे हैं। जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो लक्ष्मण भैया की, लक्ष्मण भैया के नाम का चढ़ाएंगे। जय सीता माता की, जय सीता माता की, जय सीता माता की, जय सीता माता की, जय सीता माता की। अब आप चढ़ाएंगे हनुमान जी महाराज के, अंजनी पुत्र केशन राम भक्त हनुमान पवन पुत्र बजरंग बली महाराज बालाजी महाराज की जय। रामदूत हनुमान जी महाराज के, राम भक्त हनुमान जी महाराज के, राम दुलारे हनुमान जी महाराज की जय। कष्टभंजन हनुमान जी की जय। सालासर वाले हनुमान जी महाराज की जय। मेहंदीपुर वाले हनुमान जी महाराज की जय। रामदूत हनुमान जी महाराज की जय। बजरंग बली महाराज स्वीकार किए। ये बजरंग बली का जोड़ा हो गया। मैं फिर बालाजी सरकार का चढ़ाता हूँ, इसमें सब आए थे। जय हो श्री राम, प्रभु लक्ष्मण, जय सीता माता, हनुमान जी महाराज, जय हो बालाजी महाराज, जय हो पैदा सरकार, जय हो दीवान सरकार, जय हो भैरव बाबा, जय हो समाधि वाले बाबा, जय हो बालाजी सरकार की। इसके बाद आपके पास कुछ सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं तो उनके लिए चढ़ाएंगे आप। मैंने रंग का जोड़ा चला दिया और अब मैं काली माँ का भी चलाता हूँ। जय काली माँ, जय काली माँ, जय काली माता, जय काली माता, जय काली माता। भैरव बाबा का भी चढ़ाता हूँ एक जोड़ा लौंग का। ओम भ्रीम भैरवाय नमः, 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 ओम। जय हो भैरव बाबा। उसके बाद आपके कोई ग्राम देवता होंगे, ग्राम देवता के नाम से चढ़ा सकते हैं। हमारे गांव में कोई देवता है तो जय हो ग्राम देवता भ्यो नमः, इस तरीके से। ठीक है,
ग्राम देवता के बाद एक क्षेत्रपाल देवता होते हैं क्षेत्रपाल, ओम क्षेत्रपाल देवता भ्यो नमः, स्वीकार करना प्रभु। ठीक है, तुम्हारे कोई पितृ वगैरह हैं जिनकी आप पूजा वजा स्थान बना रखा है तो उनके लिए जला सकते, ओम पितृ देवता भ्यो नमः। उसके बाद आपको कोई कुल देवता या कुल देवी हैं या नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, ओम कुल देवता भ्यो नमः, कुल देवी तभ्यो नमः, इस तरीके से गड़गड़ चला दिया। ठीक है, और घर में आपकी किसी और की भी पूजा होती है तो उसका चढ़ा सकते हैं, जैसे कि मेरे घर में गोरखनाथ जी की पूजा होती है, ओम गुम गोरखनाथाय नमः, ओम गुम गोरखनाथाय नमः, ओम गुम 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 गुम गोरखनाथाय नमः। ओम जय हो गोरखनाथ जी महाराज के स्वीकार। जहरवीर बाबा की पूजा होती है तो मैं जहरवीर बाबा को चढ़ाता हूँ साथ में। धन गोवा मलि धन गोवा सुल्तान पर धुना धुमे गोवा चले जहन गो सिंधी कोचली मलि बेशना साधु चले मन कंदिया करके तमाम सारे आदमी मामले सीता के प्रोग्राम दाई मोडो बका का बाय चले हनुमान माथे बना नाव का सुल्तान पूर्व मंत्री से बचा देखो जहरवीर सब लोग कलाम का तमाशा। आदेश गुरु जी आदेश गुरु जी आदेश गुरु जी जय जहरवी गुरु जी माजे जहरवी गुरु जी माजे जहरवी गुरु जी माजे जहरवी गुरु जय जय जहरवी गुरु जी महाराज की जय। चला दिया हमने। ठीक है, इसके बाद भूल चूक के नाम का चढ़ा सकते हैं, आपका कोई गुरु है गुरु गुरु मानते हो किसी गुरु के नाम का चढ़ाइए। चढ़ा दिया और उसके बाद भूल चूक के नाम का चला कि प्रभु मैं कोई भूल चूक कर रहा हूँ तो उसके लिए कोई किसी के लिए भूल गया हूँ तो उसके लिए लौंग का जोड़ा चढ़ा रहा हूँ ताकि वो यहाँ से ले लें। इतना करने के बाद आप बजरंगबली महाराज और सभी देवताओं से जिनको भोग लगाया उनसे विनती करेंगे कि प्रभु आइए अपना भोग लगाइए और फिर इसको जला देंगे। जय बाबा की जय बाबा की जय बजरंगबली महाराज जय बजरंगबली महाराज जय बजरंगबली महाराज। जितना अच्छे स्पीड से जलेगा अग्नि जलेगी उतने अच्छे स्पीड से समझ लो देवता भोग ले रहे हैं और ये आवाज़ बताती है कि हाँ भोग स्वीकार हो रहा है। सुन रहे हो आवाज़ पूरा आपको दिख जाए इसलिए मैं वीडियो लाइव ही बना रहा हूँ। लाइव तो नहीं खैर मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूँ वीडियो। इतना सब करने के बाद मैंने सभी देवताओं के नाम लिए हैं, उन सबको भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद कुल देवता वगैरह सबका भोग लगा दिया हमने, पितृ वगैरह सबका। उसके बाद सही से घी लगाएंगे। उसके बाद जो आपने मंत्र का जाप किया है जितने दिन जाप किया है, जैसे मान लो मैंने मान के चलो मैंने ब्रह्मास्त्र मंत्र का 21 माला 21 दिन जाप किया है तो मैं उसका 21 बार रोज एक दिन का एक मंत्र लेकर के 21 लौंग के जोड़े इसमें चढ़ाऊंगा, आहुति दूंगा लौंग की उस मंत्र की, मंत्र पढ़ के जो भी मंत्र आपने पढ़ा है। वो मंत्र आप पढ़ के इसमें डालेंगे एक मंत्र मन में पढ़ सकते हैं। मैं मंत्र नहीं बता रहा हूँ उसमें मैंने कौन सा किया था, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। नौ लौंग के जोड़े हो गए और घी का भी ध्यान रखेंगे कि सही से घी भी डालते रहना है बीच में, स्वाहा बोलते रहना है।
मंत्र का नाम लेके बाद में स्वाहा बोल सकते हैं या घील डालते समय स्वाहा बोल सकते हैं। आ रहा हो गए बारह तेरह हो गए चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह उन्नीस बीस ये हो गया इक्कीस। ठीक है, ये 21 आपने लौंग के जोड़े की आहुति दे दी, 21 माला और 21 दिन तक की थी। इसीलिए ये छोटा हवन बता रहा हूँ, मैं हवन का बड़ा तरीका भी होता है लेकिन छोटा हवन हर कोई कर सकता है, बड़ा हवन हर एक नहीं कर सकता, हर एक उसकी सामग्री उसका तरीका और उसकी सामग्री अरेंज नहीं कर सकता हर कोई, छोटा हवन सब कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये तरीका बताया। ठीक है, उसके बाद जो आपने भोग के लिए रखा है सामान, ये गूगल होता है बहुत पे, या कपूर होता है तो कपूर चढ़ाएंगे, पहले तो कपूर चढ़ा देंगे, मन में वो मंत्र जाप करते रहेंगे, गूगल चढ़ा देंगे, अब जो ये हमने सामान लिया है जो थाली में, जो थाली इकट्ठी की थी ना आपकी, जो बताई थी जो ये, इसमें से सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी लेकर के भोग लगाएंगे। वही मंत्र का जाप करेंगे, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेंगे, बजरंग बली से बोलेंगे स्वीकार करें और जितने भी साथ में देवी देवता सब स्वीकार करें। तो मैंने मीठा पान भी बनवाया है, मीठा पान का भी भोग लगाता हूँ, अगर एक साथ सारी चीज़ ना ले पाए तो एक एक करके भोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने भोग लगा दिया सबका, ये सारी चीज़ जो हम ले रखी थी ये इन सब का हमने भोग लगा दिया है। घी चढ़ा देंगे, और विनती करेंगे कि बजरंगबली महाराज, राम दरबार, भोलेनाथ परिवार, जहरवीर सरकार, गोरखनाथ सरकार, कुल देवी कुल देवता, क्षेत्रपाल देवता, गांव के देवता जो होते हैं वो सब आए, अपना भोग स्वीकार करें और हमारा हवन संपन्न कराएं। हमसे कोई भूल चूक या गलती हुई हो, छोटी या बड़ी, जाने अनजाने, उसे माफ़ करें और हमारा भोग स्वीकार करें, हमारी साधना स्वीकार करें, मंत्र जाप स्वीकार करें। हमने जिस मंतव्य के लिए मंत्र जाप किया था वो हमारा मंतव्य पूरा करें, हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे संकटों की रक्षा करें, हमारे बिगड़ते काम बनाएं
हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हंसी खुशी जैसा भी रुखा सुख का भोग हमसे बन पाया प्रभु, वो हमने किया उसे स्वीकार करें। मेरे आज 21 दिन के लगातार व्रत भी थे, तो मैंने लगातार व्रतों का समापन भी किया है। अगर मेरी वाइफ घर पे होती तो मैं अठावरी बनवाता, मम्मी को मैं परेशान नहीं करता हूँ। ठीक है, वैसे आप भोग लगा सकते हैं। क्या है, आ जाओ, लॉन्ग खड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम लगेगा। इस तरीके से आप सारी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। कोई भूल या चूक आपसे हो रही हो तो उससे माफ़ी मांग सकते हैं बजरंगबली महाराज से, राम जी से। धूप बत्ती ख़त्म हो जाए धूप बत्ती जला दें। ये इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि धूप बत्ती और दीपक जलते रहना चाहिए आपका। जितनी अच्छे तरीके से तुम्हारी ये अग्यारी जलेगी, उतने अच्छे तरीके से समझ लो देवता भोग ले रहा है, देवता खुश है तुमसे। अगर ये नहीं जल रही, जला नहीं पा रहे हो, तो समझ लो देवता नाराज है। ये ध्यान रखना ये चीज़, देख लो सही से। ये छोटा हवन मैंने बताया आपको, इस तरीके से छोटा हवन कर सकते हैं आप घर में। इसमें सारी विधि मैंने बता दी है। प्रभु श्री राम जी के नाम का भी, हर एक चीज़ का मैंने लौंग का जोड़ा चढ़ाया, और एक भूल चूक के नाम से भी चढ़ाया। कोई गलती हो जाए तो आप कर सकते हैं। ये इन चीज़ का भोग आप ज़रूर लगाएंगे, एक बार नहीं दो बार लगा देंगे, एक्स्ट्रा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। भगवान खुश होने चाहिए हमारे। ज़रूरी नहीं है आप 56 भोग का भोग लगाएं, जो तुम पे बन पाए जिस समय जैसा वैसा भोग लगाएं, और भोग लगाते समय विनती करते रहें और अपना मंत्र का जाप करते रहें। जो भी आपने किया वो भी मैं अभी करूँगा, जब आप वीडियो बंद कर दूँगा तब करूँगा। ये देखिए फिलहाल तो मैं सब मैंने भोग लगा दिया अच्छे तरीके से। बजरंगबली महाराज से विनती करते हैं, प्रभु कोई गलती हुई तो क्षमा करना। हनुमान बार वर्ष का जवान हाथ में लू हूँ पान हाक मत आओ बाबा हनुमान मेरे भक्ति गुरु शक्ति पूर्ण ईश्वर से जय श्री राम। ओम हनुमान पहलवान पहलवान बरकार का जवान हाथ में लू हूँ खेल खेल गलंका का चौवान जन का बुध राम का दुचन में गुलन उखन का बुध जाग जाग हनुमान उनकला था तिलो अलंकला शीश राग ढेर उम्र गाजे बजे को आगे अर्जुन पीछे भीम चोर नान चप्पे ने छिन अजाजरे भरे भरे गटन की रक्षा राय रामचंद्र लक्ष्मण हनुमान करे। ओम ओम नमो बजरा कोटा इसमें पिंड मारा पटाई शुरू कीजिए भैम गोता भैया ढंग गए थे हमें रखवाले मेरे भक्ति गुरु सत्य पूर्व दिशा। ओम ओम राम राम ने कहे हनुमान चले कहाँ चले चौक बिठाने चले चौक बिठा के रात की दे दिन की दे चारों पैर की दे काटे हनुमान जी मंत्र बांध तंत्र बांध जंत्र बांध रखो के बाद मेरे आन में गुरु ज्ञान छुआ चकुरु। ओम जय श्री राम। ओम हनुमत रुद्रात्म का हूँ फट ओम हनुमान बार बस कर हाथ में लू हूँ हाथ मार ओ बाबा हनुमान मेरे भक्ति गुरु सत्य पूर्व दिशा जय श्याम। हनुमान बार बस कर हाथ में लू हूँ हाथ मार ओ बाबा हनुमान मेरे भक्ति गुरु सत्य पूर्व दिशा जय श्याम। हनुमान बार बस कर हाथ में लू हूँ हाथ मार ओ बाबा हनुमान मेरे भक्ति गुरु सत्य पूर्व दिशा जय श्याम। हनुमान बार बस कर हाथ में लू हूँ पान हाक मार आओ बाबा हनुमान मेरे भक्ति गुरु सत्य पूर्व ईश्वर जय श्री राम। हनुमान बार बस कर हाथ में लू हूँ पान हाक मार आओ बाबा हनुमान मेरे भक्ति गुरु सत्य पूर्व ईश्वर जय श्री राम। हनुमान बार बस कर हाथ में लू हूँ पान हाक मार आओ बाबा हनुमान मेरे भक्ति गुरु सत्य पूर्व ईश्वर जय श्री राम। हनुमान बार बस कर हाथ में लू हूँ पान हाक मार आओ बाबा हनुमान मेरे भक्ति गुरु सत्य पूर्व ईश्वर जय श्री राम। हनुमान बार बस कर हाथ में लू हूँ पान हाक मार आओ बाबा हनुमान मेरे भक्ति गुरु सत्य पूर्व ईश्वर जय श्री राम। हनुमान बार बस कर हाथ में लू हूँ पान हाक मार आओ बाबा हनुमान मेरे भक्ति गुरु सत्य पूर्व ईश्वर जय श्री राम। हनुमान बार बस कर हाथ में लू हूँ पान हाक मार आओ बाबा हनुमान मेरे भक्ति गुरु सत्य पूर्व ईश्वर जय श्री राम। हनुमान बार बस कर हाथ में लू हूँ पान हाक मार आओ बाबा हनुमान मेरे भक्ति गुरु सत्य पूर्व ईश्वर जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, जय बजरंगबली महाराज जय बालाजी महाराज। अंजनी पुत्र कृष्ण राम भक्त हनुमान पवन बजरंगबली महाराज बालाजी महाराज। सबको गलती हुई तो क्षमा करना बाबा, बच्चा हूँ तुम्हारा, मेरे परिवार पे मुझ पे करुणा बरता के रखना। गलती हर तरह की कोई भी गलती हो क्षमा करना बाबा। जितनी भी पूजा पाठ जैसी भी गलत सलत भी मैंने करी है तो उसको स्वीकार करना, नाराजगी कोई भी कैसी मत रखना बाबा। और भोलेनाथ परिवार, राम दरबार, जाहरवीर सरकार, गोरोना सरकार, बालाजी सरकार, नवदुर्गा शक्ति, सभी से मेरी विनती है अपना अपना भोग लीजिए और स्वीकार कीजिए। जय माता की, 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 जय माता की। किसी घर में माता पूजती है तो नवदुर्गा शक्ति के नाम का भी लौंग का जोड़ा चढ़ा सकते हैं। कोई अगर भूल चूक हो जाती है आगे पीछे तो आप बाद में भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर विनती कर सकते हैं कि
आप उसमें से स्वीकार कर लीजिए जो मैंने भूख भूल चूक का एक लौंग का जोड़ा चढ़ाया था, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि छोटा हवन करने का तरीका क्या होता है। कम से कम 20 मिनट की वीडियो चल रही है, 20 मिनट से हवन हो ही रहा है, ठीक है। मंत्र पढ़ सकते हैं, हनुमान बार बार कर हाथ बैठूँ हनुमान मेरी भक्ति गुरु जय श्राम स्वाहा, इस तरीके से 11 कर सकते हैं, 121 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, आहुति दे सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा बढ़ा सकते हैं, सामग्री बहुत सारी थाली में लगा सकते हैं, और 101 बार आप मंत्र पढ़ के आहुति दे सकते हैं, ठीक है। हर बार हर मंत्र के बाद आहुति देंगे, स्वाहा बोलेंगे, और जो शुरू में मैंने आपको बताया कि इन इन देवताओं को भोग देंगे, कुल देवी देवता पितृ वगैरह सबको, उनको आप पहले देंगे, उसके बाद शुरू करेंगे, तो आपकी जोत आपकी भी मुझे लगता है ऐसी जलनी चाहिए। बजरंगबली महाराज आपसे भी ऐसे कुछ होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं चलते हैं, ये देखिए डेढ़ साल से जोत जल रही है बालाजी महाराज अखंड जोत जला के रखते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, बंद करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।